जय हिंद। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन लेने के लिए टोटल जो है कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और हम लोग इसमें जो है यूजी और पीजी दोनों का देखेंगे कि टोटल कितनी सीट्स जो हैं अवेलेबल हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग यूजी का जान लेते हैं कि यूजी की कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप लोग बीए ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीए में जो है टोटल 2438 सीटें हैं। साथ ही साथ बीएससी मैथमेटिक्स में 300 सीटें हैं, बीएससी बायोलॉजी में जो है आपका 150 सीटें हैं और बीकॉम में आपकी 500 सीटें टोटल हैं। बीए एलएलबी में आपकी 150 सीटें हैं, बीबीए में जो है आपका 150 सीटें हैं और बीसीए में जो है आपका केवल और केवल 75 यानी कि 75 सीटें हैं। लेकिन इसमें आवेदन जो है बहुत सारे आए थे। बीएससी एग्रीकल्चर में जो है आपकी 225 सीटें हैं, बीएससी होम साइंस में, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल आपकी 50 सीटें हैं। बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में आपका 225 सीटें हैं। बीएचएमसीटी में आपका जो है 75 सीटें हैं। बीएजेएमसी में जो है आपका जर्नलिज्म वाले कोर्स में टोटल 75 सीटें हैं। बीटेक सीएससी ब्रांच में जो है आपका 150 सीटें हैं और साथ ही साथ जो है आपका बीटेक ईसीई में आपका 75 सीटें हैं। बीटेक आईटी में है जो आपका 150 सीटें हैं और बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका जो है 75 सीटें अवेलेबल हैं। तो बेसिकली यह जो है आपका सीट कितनी अवेलेबल है उसका स्ट्रक्चर था। अगर आपको इसके अलावा किसी अन्य कोर्स का जानना है तो आप लोग कमेंट में जो है पूछ सकते हैं। अब हम लोग पीजी का देखते हैं कि पीजी में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप लोग एमए करेंगे तो एमए सोशियोलॉजी में आपका 150 सीटें अवेलेबल हैं, एमए साइकोलॉजी में आपका 56 सीटें हैं, एमए फिलोसफी में जो है आपकी वह 74 सीटें हैं, एमए जियोग्राफी में आपका 62 यानी कि 62 सीटें हैं, एमए एंशेंट हिस्ट्री में आपकी 150 सीटें हैं और साथ ही साथ जो है आपका एमए हिस्ट्री में, एमए एंशेंट हिस्ट्री में भी 150 हैं और एमए हिस्ट्री में भी 150 हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस में आपकी 150 सीटें हैं, एमए हिंदी में आपकी टोटल 150 सीटें हैं, एमए इंग्लिश में आपका टोटल जो है 150 सीटें हैं, एमए संस्कृत में आपकी टोटल जो है 150 सीटें हैं, एमए उर्दू में आपकी 74 यानी कि 74 सीटें हैं, एमए एजुकेशन में आपका 62 सीटें हैं, एमए विजुअल आर्ट में आपकी 52 सीटें हैं, एमए परफॉर्मिंग आर्ट में भी आपकी 62 सीटें हैं और एमए इकोनॉमिक्स में आपका टोटल 150 सीटें हैं, एमए फिजिकल एजुकेशन में आपकी टोटल 36 यानी कि केवल और केवल 36 सीटें हैं, एमए योगा में आपका जो है 72 सीटें हैं, एमए फिजिक्स में आपकी 62 सीटें हैं, एमएससी फिजिक्स में और एमएससी केमिस्ट्री में आपकी 74 सीटें हैं, एमएससी जूलॉजी में आपकी 62 सीटें हैं, एमएससी बोटनी में आपकी 62 सीटें हैं, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में आपकी 22 सीटें हैं केवल और एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस में आपकी 50 सीटें हैं, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में आपकी 24 सीटें हैं, एमएससी होम साइंस में आपकी 24 सीटें हैं और एमए होम साइंस में आपकी जो है 50 सीटें हैं, एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आपकी 40 सीटें हैं, एमएससी एग्रीकल्चर में 55+144 सीटें हैं, एमए एमएससी मैथमेटिक्स में आपकी 150 सीटें हैं, एमए एमएससी स्टैटिक्स में आपकी 24 सीटें हैं केवल, एमए एमएससी डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी में आपकी 52 सीटें हैं यानी कि 62, एमएससी फूड टेक्नोलॉजी में आपकी 33 सीटें हैं, एमएससी एक्वाकल्चर में आपकी 50 सीटें हैं, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी 18 सीटें हैं, एमकॉम में आपकी टोटल 150 सीटें हैं और एमए जेएमसी में आपकी 66 सीटें हैं, एमएड में आपका टोटल 50+110 सीटें हैं, एमबीए में आपका 150 सीटें हैं, एलएलएम में आपकी टोटल 36 सीटें हैं, एलएलबी में आपकी टोटल जो है 374 सीटें हैं, बीपीएड में आपकी 220 सीटें हैं और पीजीटी इन डाइजेस्टर एंड नेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट में आपकी 62 सीटें हैं, डिप्लोमा इन ज्योतिष वास्तु कर्मकांड वाले में जो है आपकी टोटल 50 सीटें हैं, पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आपकी 20 सीटें हैं और पीजी डिप्लोमा इन योगा में जो है आपकी वह 72 सीटें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने देख लिया कि कितने सीट्स आपके लिए यूजी और पीजी कोर्सेज में अवेलेबल हैं। अब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे कि इन सभी सीट का जो है, इन सभी कोर्सेज का जो है फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।